स्वागत है आपका हिंदी मधुर गीत ज्ञान चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए हिंदी मधुर गीत ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धनतेरस 2023 दिन व तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का समय, यम दीपदान कैसे करें। पौराणिक कथाओं में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस के साथ ही दीपावली की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी धनवंतरी और कुबेर पूजन से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम आपको साल 2023 धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, धनतेरस पूजा विधि और यम दीपदान कैसे करें, इसके बारे में बताएंगे। धनतेरस तिथि व मुहूर्त 2023। वर्ष 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:30 बजे। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर 2023 को दोपहर 14 बजे। धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त 2023 शाम को 5:48 मिनट से 7:44 तक। प्रदोष काल शुरू होगा शाम 5:30 बजे से 8:08 मिनट तक। वृषभ काल शाम 5:48 मिनट से शाम 7:44 मिनट तक। धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। शाम के समय पूजा स्थल पर इन सभी की प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। प्रतिमाओं को चंदन का तिलक कर फल, फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पण करें। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा के समय कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की रात यम देवता का पूजन कर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक रखना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अंत में सभी की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यम दीपदान कैसे करें। प्राचीन कथाओं के अनुसार धनतेरस की रात यमदेव की पूजा कर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार यदि धनतेरस की शाम को यमदेव के नाम का दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। यमराज की पूजा के लिए आटे का चौमुखी दीपक बना लें और इसमें सरसों का तेल डालकर इसकी विधिवत अक्षत पुष्प रोली से पूजा करें। अब यमराज का ध्यान करते हुए इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके द्वार के दाईं तरफ रखना चाहिए। साथ ही पूरी श्रद्धा से यमराज को नमन करते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनवंतरी जी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी व विशेषकर पीतल और चांदी से बने बर्तन खरीदना शुभ होता है, क्योंकि पीतल को भगवान धनवंतरी जी की धातु माना गया है, जो व्यक्ति को आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा में यमदेव के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।